उसमें निश्चित तौर से नीतीश कुमार और सुशील मोदी को समाप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ता इन लोगों की खत्म होनी चाहिए, अन्यथा यह राज्य बीमारू है, अति बीमारी में पड़ जाएगा, उस संक्रमण से इसको निकालना असंभव है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेंगे इस कार्यक्रम? हमको झगड़ा कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा तो, लेकिन बातें नहीं बन रही हैं तो अरे बात नहीं बनती है तो घुमा फिर आगे बनती है। जब टारगेट एक हो तो बात घुमा फिर, आप लोग पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बात सब समझते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ देंगे इस समय? जो शब्द का प्रयोग किया नीतीश कुमार जी ने एक जाति विशेष के लिए कुशवाहा की, हमको ज्ञान पढ़ा रहे थे तो हमने तो माफ़ी मांग ली कि गलती में मान लिया कि हम छाती तोड़ रहे थे, लेकिन उनके अहंकार तोड़ने की बात हमने कही थी। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने नीच कहा तो ये जो डीएनए के लिए जहां भेजे हुए थे वो जांच हुआ कि नहीं, यही तो उन्होंने मांग किया। जो वर्कर थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा करने में मेरा योगदान रहा, हमको खड़ा करने में उनका योगदान नहीं रहा, तो हम जो पेड़ को लगाए हैं उसको काटें कहे। उनके वर्कर ने हमको फ़ोन करके कहा कि बेरहमी से पीटा गया, किस बात के लिए? ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है चीज़ों को रखने का, ये उनके वर्कर रख रहे थे, गिरफ्तार कर लिया जाता। हम लोग भी 14 साल लालू यादव से लड़े, गिरफ्तार होते थे या जगजीवन स्टेडियम में जाते थे। ये तो शिक्षक को भी नहीं बकसते हैं, महिला टीचर को भी नहीं बकसते हैं, मार लाठी मार लाठी। तो चोर पकड़ मार नहीं पकड़ाता है इनसे, जो इंसान है जो लोकतंत्र के रक्षक हैं उनकी पिटाई कर रहे थे। हमने समर्थन में बोला कौन गुनाह किया है बोलिए। तो साथ में आप लोग? अरे साथ तो साथ में ना आएंगे, आएंगे तब ना साथ में, आप दोनों मुद्दे है सर। मुद्दे की बात नहीं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, 30-40 वर्षों का रिश्ता है, पार्टी में कहीं रहें कुछ रहें, लेकिन एक एक बात मैंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी इस राज्य का भट्ठा बैठाने का काम किया है, उनके लिए जहर भी पीना पड़ेगा इनको हटाने के लिए, मैंने घोषणा कर दी है, तो जहर पिएंगे। ये तो हमारे नेता रहे हैं, इनका सहयोग समर्थन अलग बात है, लेकिन हम लोग 14 साल चारा घोटाला के खिलाफ लड़े, वो 800 करोड़ का घोटाला था। नीतीश कुमार अपने चहेतों के अकाउंट में 8000 करोड़ रुपये डलवा दिया, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के लोगों ने गड़प लिया 8000 करोड़। तो लालू यादव को बाहर रहना चाहिए, इन दोनों डकैतों को अंदर रहना चाहिए, यही मैंने कहा है। मैंने कोई अनैतिक बात नहीं बोली है, कोई गुस्से में नहीं बोली। सामाजिक न्याय हम लोग कर्पूरी ठाकुर, राज नारायण, जयप्रकाश जी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया, सामाजिक न्याय की सरकार है। सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत हथियार एजुकेशन है, एजुकेशन का सर्वनाश इन्होंने कर दिया, विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो अब थेथरबाजी का तो कोई जवाब नहीं है। एजुकेशन ही हैज किल्ड द सिस्टम, जो पहले से भी था, आज जो शिक्षा की स्थिति है, जिसके वजह प्रशंसा के लिए लाए थे अमर सेन को, उन्होंने कहा द पुअर क्वालिटी इन द होल कंट्री, द स्टेट इज हैविंग द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द होल कंट्री। तो ये तो आईना है, अमर सेन हमारे नहीं हैं, अमर सेन को इन्होंने लाया था प्रशस्ति लिखने के लिए, जैसे कभी इंग्लैंड से ले आते हैं, कभी अमेरिका से ले आते हैं, कभी कोई सीनेटर को ले आते हैं। तो जो बाहर का व्यक्ति है वो समझ नहीं पाता है कि ये कितना तिकड़मी आदमी है।